क्या आपके दांतों में गैप है और आप ये जानना चाहते हो कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कितना समय लगेगा, कैसे ठीक किया जाएगा और कितना चार्जेस लगेगा, इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा फ्रॉम सैनिक डेंटल क्लिनिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऊपर के फ्रंट के दांतों में अगर गैप है तो उनको कैसे भरा जा सकता है। इस चीज़ को मेडिकल टर्म्स में हम मिडलाइन डायस्टमा बोलते हैं। अगर आपके फ्रंट के दोनों दांतों के बीच में गैप है तो उसे हम डायस्टमा कहते हैं। वैसे तो इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके शॉर्ट हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इसके कारण बहुत सारे हैं, बट आज मैं तरीकों और कारणों पर नहीं आऊँगा। आज मैं इसका सबसे सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ और सबसे लेस टाइम टेकिंग तरीका बताने जा रहा हूँ। मान लो शादी है, एंगेजमेंट है या कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है और आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को तो बस 4-5 घंटे में ही इस गैप को क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, इसका क्या तरीका है? तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट में सिर्फ इस गैप को कैसे भरा जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रंट के दांतों में गैप को भरने का कंपोजिट बिल्डअप वाला तरीका। कंपोजिट एक तरीके का दांत के कलर का फिलिंग मटेरियल होता है जो कि जेल फॉर्म में होता है, जिसपे जब लाइट पड़ती है तो ये सेट हो जाता है, जिसमें हम दांत का शेड सेलेक्शन करके और फिर उसी तरीके का जेल लगाते हैं और इसको हम सेट कर देते हैं जिससे गैप भर जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि दांत के ऊपर हम एक जेल लगाते हैं जो कि दांत के सरफेस को थोड़ा सा रफ कर देता है। उसके बाद इसमें हम बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं। बॉन्डिंग एजेंट का काम क्या होता है कि दांत और फिलिंग मटेरियल पे बॉन्डिंग प्रोवाइड करती है ये, जिसको हम लाइट से सेट कर देते हैं। 10 से 15 सेकेंड लगता है इसमें। उसके बाद हम कंपोजिट मटेरियल दोनों दांतों के अंदर वाले सरफेस में धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हार्डली हार्डली 50 सेकेंड का काम है। एक बार जब हमने दांतों की एनाटॉमी बना दी और गैप को क्लोज कर दिया, उसके बाद हम दांत पे लाइट क्योर कर देते हैं, लाइट मारते हैं जिससे वो सेट हो जाता है 10 से 15 सेकेंड में। थोड़ा सा सरफेस खुरदुरा हो जाता है जिसे हम स्मूथ कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे दांत के गैप बिल्कुल ही भर जाते हैं और एकदम ज्यों का त्यों लगता है, ना ही कोई कलर में फर्क होता है। और ये सबसे आसान तरीका है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। इसमें हार्डली आपका 2,000 से 3,000 रुपये खर्च होंगे। चार्जेस वेरी कर सकते हैं क्लिनिक टू क्लिनिक, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं पे कम खर्चा हो, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपर्टीज ऑफ द डेंटिस्ट एंड मटेरियल, कैसा मटेरियल यूज़ करा है। इसका एक फ़ायदा मैं बता देता हूँ आपको, इसमें आपके दांत को बिल्कुल भी नहीं घिसा जा रहा है, इनामल लेयर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जा रहा है। एक डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है, क्योंकि दांत के ऊपर हमने एक लेयर चढ़ाई है, हो सकता है कि कोई हार्ड चीज आए और ये चिप हो जाए, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आप मान के चलो 3 से 4 साल तक ये आराम से टिकता है। तो ये सबसे आसान और सबसे ठीक ठाक तरीका हो गया अगर आपको इमरजेंसी में गैप भरवाने हैं। तो ये तो हो गई मिडलाइन डायस्टमा का कैसे क्लोज करते हैं, जिसका सबसे आसान तरीका। अगर दांतों से रिलेटेड कोई भी आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।